नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। आम आदमी को मार्च में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर कपड़े और जूते तक महंगे होने से महंगाई 17 महीने के पीक पर पहुंच गई है। जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 6.95% हो गई। खाने पीने के सामान की महंगाई 5.85% से बढ़कर 7.68% हो गई। आपको बता दें कि यह लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर RBI की 6% की ऊपरी लिमिट के पार हो रही है। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.07% और जनवरी में 6.01% दर्ज की गई थी। एक साल पहले मार्च 2021 में रिटेल महंगाई दर 5.52% थी। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष की अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद महंगाई के अनुमान को बढ़ाते हुए पहली तिमाही में 6.3%, दूसरी में 5%, तीसरी में 5.4% और चौथी में 5.1% कर दिया था। और आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं CPI क्या होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाएं महंगाई को मापने के लिए WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को अपना आधार मानती हैं। भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में WPI के साथ ही CPI को भी महंगाई चेक करने का स्केल माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक और क्रेडिट से जुड़ी नीतियां तय करने के लिए थोक मूल्यों को नहीं बल्कि खुदरा महंगाई दर को मुख्य मानक यानी मेन स्टैंडर्ड मानता है। अर्थव्यवस्था के स्वभाव में WPI और CPI एक दूसरे पर असर डालते हैं। इस तरह WPI बढ़ेगा तो CPI भी बढ़ेगा। और आइए अब जानते हैं रिटेल महंगाई की दर कैसे तय होती है। आपको बता दें कि रिटेल महंगाई मापने के लिए कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मैन्युफैक्चर कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें होती हैं जिसकी रिटेल महंगाई की दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 299 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है। आगे आपको ये भी बताते चले कि मार्च माह में लगातार तीसरे महीने खुदरा महंगाई दर RBI के टारगेट रेंज से ज्यादा रही। RBI ने सरकार को खुदरा महंगाई दर 2-6% के बीच सीमित रखने को कहा है। मार्च महीने की महंगाई दर का आंकड़ा काफी अहम है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत दरों की समीक्षा के समय रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े को ध्यान में रखता है। फूड, गैसोलीन, हाउसिंग और अन्य जरूरत की चीजें महंगी होने की वजह से अमेरिका में महंगाई 8.5% पर पहुंच गई है। श्रम विभाग ने कहा कि महंगाई की यह पिछले 40 सालों में साल दर साल आधार पर सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। और आइए आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले दिसंबर सन 1981 में साल दर साल आधार पर महंगाई इतनी बढ़ी थी। महंगाई बढ़ने की वजह से सप्लाई चेन की अड़चन, मजबूत कंज्यूमर डिमांड और रूस यूक्रेन जंग की वजह से ग्लोबल फूड और एनर्जी मार्केट की खराब हुई स्थिति है। फरवरी से तुलना करने पर मार्च में महंगाई 1.2% बढ़ी है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा कि खुदरा महंगाई में एनालिस्ट की उम्मीद से ज्यादा तेजी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मीट और मछली जैसे खाने पीने के सामान के कुछ कंपोनेंट्स और पेय पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इसमें जोरदार उछाल देखने को मिला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर अप्रैल और मई में महंगाई दर में कमी देखने को नहीं मिलती है तो जून से ब्याज दर में इजाफा तय है। जून में RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की अगली बैठक होनी है। आपको ये भी बताते चले कि मार्च में खुदरा महंगाई दर के इस स्तर पर पहुंचने के बाद आगे भी इसमें तेजी बने रहने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अप्रैल में भी पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है जिसका असर साफ तौर पर महसूस किया जाने लगा है। मई में जब अप्रैल के आंकड़े आएंगे तो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे सभी तरह के कर्ज महंगे होने के आसार बढ़ गए हैं यानी आने वाले महीने में सस्ते कर्ज का दौर खत्म हो सकता है क्योंकि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाने पर मजबूर हो जाएगा। रेपो रेट से ही कर्ज की ब्याज दर तय होती है। आगे आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमत में तेजी का पूरा असर अप्रैल से पहले के डेटा में नजर नहीं आएगा।
इसकी वजह यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की शुरुआत की थी। इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज के प्रोडक्शन, खाद्य तेल की सप्लाई और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। इससे आने वाले महीनों में भी फूड इन्फ्लेशन में तेजी की संभावना है। तो आपको इस महंगाई को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।